पूर्व तो तनिक खा भी लेते थे, बाहर भी जाते थे, परंतु अब तो ना बाहर जाते हैं ना खाते हैं, बस लिखते रहते हैं। मेरी ये भेंट स्वीकार करो माँ, ये है पांडुरंगा महात्यम और ये है उद्भत राध्या चरित्रम। ओम श्री मात्रे नमः। आशा है मैंने कुछ तो योगदान दिया होगा, तुम्हारी आशाओं पर खरा उतरा होगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं उचित प्रकार से तुम्हारे दिखाए हुए मार्ग पर चलूं। आशीर्वाद दो माँ जी, आशीर्वाद दो। तुमने अपनी क्षमता से अधिक किया है राम, अब भाग्य को उसका कार्य करने दो और इस ज्ञान को विश्व भर में फैलने दो। ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः। आपको नेत्र खोलने में कष्ट हो रहा है? नहीं शारदा, कष्ट तो मात्र पलकें उठाने में हो रहा है। नेत्र तो उसी दिन खुल गए थे जब मुझे महाराज के भुवन विजयम में जाने से रोका गया था, किंतु आज कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे शीघ्र ही तैयार होकर महाराज से मिलने जाना है। पंडित रामकृष्ण, कब तक छुपोगे गुरुजी? कभी न कभी तो पकड़े ही जाओगे। मुझे भोगा तब देखेंगे। अभी तुम दोनों यहाँ से हिलना मत। बिल्कुल मत हिलना। और सुनो, महाराज आए तो कह देना आज हम आए नहीं है। हाँ। जी गुरुजी, ऐसे ही कहेंगे।
सुना था इन्होंने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ था, पर इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानसरोवर में से डुबकी लगा के आए हो। मानसरोवर नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये ज्ञान सरोवर में डुबकी लगा के आए हैं। ये आभा मंडल उसी ज्ञान का है। सम्राटों के सम्राट, नरेशों के नरेश, महाबली महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्णा पधारिए, स्वागत है आपका विजयनगर राज्य में। वैसे इस बार आपका अवकाश कुछ अधिक ही लंबा नहीं हो गया? अत्यंत परफेक्ट प्रतीत होते हैं आप, क्या बात है। अनायास ही अवकाश लेने के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु मुझे यह आभास हुआ था कि समय कुछ भव्य कराने हेतु मेरा चयन करना चाहता है, इसलिए अवकाश लेना पड़ा। आपके लिए कुछ लाया हूं महाराज। महाराज, देवी मां को अर्पण करने के पश्चात आप वो प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें मैं ये भेंट कर रहा हूं। कृपया अध्ययन करके अपनी टिप्पणी अवश्य दें। आपके प्रयास की प्रशंसा करते हैं हम पंडित रामकृष्णा। हम इसका अध्ययन करेंगे और आपको टिप्पणी अवश्य देंगे। प्रातःकाल तक का समय चाहते हैं आपसे। जी महाराज, मैं कल पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। अवश्य पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्ण, आप इतनी शीघ्र आ गए? हाँ, वो महाराज आज मेरी पुस्तिका पर टिप्पणी देने वाले हैं ना? महाराज अपने सप्त दिग्गजों के संग सभा में व्यस्त हैं। आपका कार्य अर्थात आपका लिखा हुआ एक एक शब्द उन्हीं के द्वारा जांचा जा रहा है, तो समय तो लगेगा ही। ठीक है, मैं कुछ समय पश्चात पुनः आता हूँ। कहा महाराज ने? नहीं पंडित रामकृष्ण, अभी भी जांच का कार्य प्रगति पर है, दोपहर हो जाएगी। संध्या हो जाएगी पंडित रामकृष्ण। कदाचित रात्रि हो जाएगी। पंडित रामकृष्ण, अभी तक कार्य प्रगति पर है, अब तो प्रातःकाल ही कुछ ज्ञात हो पाएगा। वैसे आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? कहीं आप इसके परिणाम से भयभीत तो नहीं हो रहे? मात्र कर्म तुम्हारे हाथ में है रामा, फल कदाचित मेरे ही हाथ में है। तुम अपना उचित प्रदर्शन दिखाओ रामा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। नहीं मंत्रीवर, मुझे फल की चिंता नहीं है, मैं तो मात्र परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कर्म करना मेरे हाथ में है और फल देना माँ के हाथ में। मैं परिणाम की प्रतीक्षा करूंगा, यदि प्रातःकाल तक समाचार आना हुआ तो स्वयं आ जाएगा। आप
आशा करते हैं कि पंडित रामकृष्ण को उनके परिश्रम के अनुसार फल मिलेगा, परंतु कुछ बुरा होने की आशंका क्यों हो रही है हमें? लो फूल लाया हूँ। अब देखकर ये मत कहना कि ऐसा है या वैसा है। भाई तुम कह रहे हो ये कैसा है? कैसे का क्या मतलब? तुमने कहा था फूल ले आना गोभी का, मैं ले आया बाजार से। हमने पूजा के लिए माँ को चढ़ाने के लिए फूल मंगाए थे, अब ये गोभी का फूल उठा के ले आए। अब ये गोभी का फूल कैसे चढ़ाएंगे माँ को? हा? पता नहीं पिछले दो दिनों से आपको क्या हो गया है। हम कहते कुछ है, आप सुनते कुछ है और करते कुछ और ही। बापू आज मैं पहली बार शारदा की बात से सहमत हूँ। आप तो चलते हो सोए सोए से, रहते हो खोए खोए से। अम्मा दरबार से कोई दरबान आया था क्या संदेश लेकर? पिछले दो दिनों में 20 बार पूछ चुका है, हम उत्तर देते देते थक गए हैं। तेरा उत्तर वहाँ दीवार पर सामने लिख दिया है, आ देख। दरबार से कोई भी संदेश या दरबान के आने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही होगी रामा को सूचित कर दिया जाएगा। ये संदेश परिवार के हित के लिए लिखा गया है। रामा तूने मुझे भी सुबह सुबह लाल महल के लास्ट टेबल देखने भेज दिया था, थी तू याद तो नहीं ला? तुझे पता है लास्ट टेबल सफाई वाली थी और मैं पूरा धूल से भर गया था, मुझे 2 बार स्नान करना पड़ा, 2 बार। देखिए हम आपको समझते हैं और आपके मन में चल रही मंशाओं को भी आपसे अधिक समझते हैं। आप अपने अष्ट दिग्गज की नियुक्ति को लेकर चिंतित है ना? हाँ शारदा, जब आप किसी लक्ष्य को लक्ष्य बनाकर एक रास्ता तय कर वहां पहुंचते हैं और प्रतीक्षा करते हैं उस घोषणा की जिससे आपकी उपलब्धि पर सार्वजनिक स्वीकृति की मोहर लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में एक एक क्षण एक एक युग के समान प्रतीत होता है। जा मेरे लिए विजयनगर के सबसे उत्तम लड्डू लेकर आ। ऐसा हम नहीं, अम्मा कह रही है। लड्डू क्यों? सब्र का फल मीठा होता है और लड्डू भी मीठा होता है, तू तो अष्ट दिग्गज बनकर खुश हो जाएगा, पर फल तो हमें ही चखना होगा ना। पंडित रामकृष्ण। अरे मंत्री बद, आप वहां क्यों खड़े हैं, भीतर आइए। वो हम महाराज का संदेश लेकर आए थे। हाँ हाँ ज्ञात है, किंतु मुझे लगा था कि कोई संदेश वहां का आएगा, आप तो स्वयं ही आ गए। वो बात ही कुछ ऐसी है कि हमें ही आना पड़ा। क्या बात है मंत्री भाई, आप कुछ उदास से लग रहे हैं। वो सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और महाराज ने भी। महाराज ने भी क्या बताइए ना मंत्री भाई, स्पष्ट बताइए संदेश क्या है। पंडित रामकृष्ण अच्छा होगा कि आप स्वयं आकर सुनिए, महाराज ने आपको अतिशीघ्र दरबार में बुलाया और शारदा देवी अम्मा जी आप भी साथ अवश्य आइएगा, हो सकता है कि पंडित रामकृष्ण को आपके सहारे की जरूरत पड़े। के बदले दुख भरे स्वर क्यों सुनाई दे रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा बंधु, अब तो सब कुछ दरबार जाकर ही समझ में आएगा। महाराज कृष्ण देव राय की जय! महाराज कृष्ण देव राय की जय! महाराज कृष्ण देव राय की जय!
आज की कार्रवाई आरंभ होने से पहले हम एक आवश्यक सूचना देना चाहते हैं। पंडित रामकृष्णा जी महाराज, ये सूचना आपके लिए उद्देशित है, अतः हम विलंब नहीं करेंगे। हम बता देते हैं कि वो सूचना क्या है। कि क्या बात है? बताएंगे पंडित रामकृष्ण, अवश्य बताएंगे, परंतु उससे पूर्व हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी हो पंडित रामकृष्ण, आप हमेशा हमारे मित्र रहेंगे और आपने विजयनगर राज्य के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हम और समस्त विजयनगर राज्य आपका आभारी रहेगा। महाराज, जो मेरा कर्तव्य है उसके लिए आभार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। बात क्या है महाराज? जी बात अब बतानी पड़ेगी महामंत्री जी। महाराज, महाराज जो हुआ है, जो सत्य है, वो सभी के समक्ष आना ही चाहिए। सत्य कहा आपने मंत्री बाबू, कभी कभी जो होता है वो मनुष्य की सोच से परे होता है। इंसान क्या सोचता है और उसे क्या प्राप्त होता है, उसमें कितना अंतर होता है। सत्य कहा था प्रभु श्री राम ने, उन्होंने कहा था कि कलयुग में समय पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। महाराज आप निसंकोच होकर बताइए, मैं हर सत्य सुनने को तैयार हूं। रामा, तुझे लगता है कि ये वातावरण तेरे अष्ट दिग्गज बनने के जैसा है? बंधु, अष्ट दिग्गज बनना तो दूर, जब जब मैं निष्कासित हुआ हूँ ना, तब तब भी माहौल ऐसा नहीं था। लगता है अष्ट दिग्गज बनना इस जन्म में तो बहुत मुश्किल है। उचित महामंत्री जी। महाराज, विजयनगर के सप्त दिग्गजों की एक मत से दी हुई राय और पूरी प्रजा एवं महाराज कृष्णदेव राय की सहमति से पंडित रामकृष्ण को आने वाली पूर्णिमा के दिन अष्ट दिग्गज का पद ग्रहण करने के लिए राज दरबार में आमंत्रित किया जाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.